देखिए केजरीवाल जी बहुत ही शातिर राजनीतिज्ञ हैं। अब उन्होंने भारत को एक नंबर का बनाओ उसकी यात्रा शुरू करी है। और कहाँ से करी है? आदमपुर से। क्यों करी है आदमपुर से? क्योंकि आदमपुर में उपचुनाव होने जा रहा है। इनको देश से कुछ नहीं लेना, लोगों से कुछ नहीं लेना, नंबर वन से कुछ नहीं लेना, इनको तो वोटों से लेना है। इसलिए आदमपुर में आकर वो बहके हैं, काफ़ी बहकी बहकी बातें करी उन्होंने और अपने आप को सर्वज्ञाता बताने की कोशिश करी है, लेकिन इनकी हकीकत सब जानता है। अब दिल्ली में क्या इन्हें कर रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, पंजाब में इनका क्या हो रहा है, सब कुछ सब लोगों को पता। और क्या इनका मकसद है, लोगों को जानकारी है इस बात की। ये कौन होते हैं, केंद्र पर छोड़ने वाले या किसी और पर छोड़ने वाले? मामला सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोनों प्रदेशों की सरकारें बैठ के मामले का हल निकालें, तो ये क्या अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर मानते हैं? नहीं, राहुल गांधी जी कहते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं। बातें तो करते हैं बहुत लोगों की, और अपना जो उनका काम काज है वो और तरह का है, तो वो तो हमेशा से ही ऐसे करते हैं। कांग्रेस प्रमुख चुनाव साफ है और चुनाव बिल्कुल स्पष्टता है। देखिए ये बयान देते हुए तो इनको कई साल हो गए, लेकिन फिर भी प्रधानता रहती उसी परिवार के बीच में है। ये कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार की गुलाम है, इसलिए उससे बाहर निकल ही नहीं सकते। इनकी इतनी सोच ही नहीं है, इनकी इतनी हिम्मत ही नहीं है।